की है। और बड़ी चीज यह है कि अब जो रुझान का मामला था, रुझान का जो खेल था वो खत्म हो चुका है। नतीजों की बारी है। जुलाना से विनेश फोगाट जीत गई हैं, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। पहलवान, दिग्गज पहलवान, कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं, जुलाना से विनेश फोगाट की जीत हो गई है। और इसके अलावा दूसरी जीत भी कांग्रेस की हो गई है। हरियाणा में नूह से जो है एक अफ्ताब करके कैंडिडेट, उनकी भी जीत हो गई है। तो हरियाणा में दो सीटों पर जीत दर्ज कर, लेकिन सरकार और सावित्री जिंदल भी जीत गई हैं। 19,745 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सोनीपत से बीजेपी के निखिल जो हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और देखिए मिठाइयाँ बट रही हैं बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी कार्यालयों में, समर्थकों में। और किस तरीके से अब जश्न का माहौल है। जो जलेबी सुबह बट रही थी वो जलेबी खत्म हो गई हैं। अब लड्डू की बारी है। जलेबी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जलेबी का जिस तरीके से जिक्र हुआ था हरियाणा की सियासत में, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कह सकते हैं इसका जिक्र कर सियासी बखेड़े को खड़ा कर दिया था, उसके बाद आज सुबह जब कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम दफ्तरों से निकले और उनमें जोश था, जश्न था, क्योंकि 57 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी और जलेबी बटने लगी। लेकिन अब देखिए 49 पर बीजेपी है और अब लड्डू बट रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त। नूह से कांग्रेस के आफताब अहमद की बड़ी जीत हुई है। सावित्री जिंदल भी जीत गई हैं। जुलाना से दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने करीब 6,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी जीत हार का खेल शुरू हो गया है। पीडीपी की जो मुखिया हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव हार गई हैं। ये जम्मू कश्मीर से जानकारी मिल रही है। और बड़गाम से अभी भी उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। जीत अभी नहीं उनकी हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीड उन्होंने दे रखी है। तो कुल मिलाकर अब दोनों राज्यों में जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने कह सकते हैं बड़े सियासी उलटफेर के संकेत देने शुरू कर दिए थे 9 बजे से। और अब देखिए बहुमत मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को और तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है यहाँ पर बीजेपी ने और सरकार बनाने जा रही है। लेकिन एक बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से आ रही है, बीजेपी के दफ्तर से, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है। सारे महासचिव, जितने भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी बैठक बुलाई गई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की तरफ से। और दूसरी तरफ खबर है जो हरियाणा के चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान, उनकी मीटिंग चल रही है मनोहर लाल खट्टर के साथ। केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ इस वक्त जो है मीटिंग चल रही है धर्मेंद्र प्रधान की। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी की ताजपोशी होगी, रिकॉर्ड दूसरी बार और रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या वहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए जो दावा ठोंका गया था अंबाला कैंट से जो विधायक रहे हैं, अभी जीत की ओर बढ़ रहे हैं अनिल विज, वो क्या दोबारा दावा ठोकेंगे? क्या बगावती सुर तो देखने को नहीं मिलेंगे? लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के हाथ मायूसी लगी है। भूपेंद्र हुड्डा सुबह एकदम चमकते हुए दिखाई दिए थे और कहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई और उसमें देखा उनके चेहरे का हाव भाव कि किस तरीके से मायूसी हाथ लगी है पूरी पार्टी के। लेकिन कह सकते हैं इस मायूसी के पीछे कई बड़ी वजह रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में हारे थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे राज्य निकले हाथ से। और ओवर कॉन्फिडेंस ही कह सकते हैं कि हरियाणा में भी देखने को मिला कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल था, 150 रैलियाँ भाजपा की तरफ से की गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से महज 70 चुनावी रैलियाँ की गई। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कांग्रेस कितनी आश्वस्त थी जीत को लेकर, लेकिन ये जीत हार में तब्दील हुई है। और 36 सीटों पर इस वक्त INC ने बढ़त बना रखी है, 49 सीटों पर BJP। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, ना ही JJP का, लेकिन INLO एक सीट पर बढ़त बनाए है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में तीसरी बार BJP सरकार आ रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर लेकर आपको चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर BJP इस वक्त 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले 43 सीटों पर बढ़त बनाई है। यानी JKNC और जो INC का गठबंधन है वो 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब कुल मिलाकर घाटी में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 2014 में जो है अंतिम बार वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब
बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन में सरकार बने थी, लेकिन 18 में महबूबा मुफ्ती ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।